चलिए आज बनाते हैं बहुत ही छोटी आसान लेकिन बोरिंग से भी बोरिंग खाने में जान डाल देने वाली ऐसी स्वादिष्ट और चटपटी आम की चटनी। उससे पहले आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी एक सीक्रेट चीज़ जो मैंने इसमें डाला है इसको हेल्दी बनाने के लिए। तो बस आपको एक आम लेना है, आप जिसके हिसाब से बना रहे हैं। मैंने एक बड़ा साइज़ का खट्टा वाला आम ले लिया, अच्छे से धो के रख लिया था। उसके बाद थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स, अच्छे से वॉश करके रखा है, 2-3 कलियां लहसुन की। तो जब भी आप ये चटनी बनाते हैं ना, तो कई लोग अलग अलग चीज़ें डालते हैं, बट मैंने बहुत ही इसको हेल्दी और टेस्टी तरीके से बनाया है, आपने भी ज़रूर बनाया होगा। उसके लिए आपको आप 2 चम्मच जैगरी यानी गुड़ चाहिए। आप कई लोग शक्कर भी ऐड करते हैं, बट मैं इसको एकदम हेल्दी तरीके से बताऊंगी, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है जीरा, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कच्चा जीरा लिया है, आप रोस्टेड क्यूमिन सीड्स भी ले सकते हैं। उसके बाद नमक आप डाल लीजिए, बाद में थोड़ा कुछ कम होगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें आम को अच्छे से पील करना है, तो आप आम को पतली वाली छिलनी से छीलिए, पूरा अंदर का गूदा नहीं निकलना चाहिए, तभी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बढ़िया वाला मैंने आम ले लिया है, इसको अच्छे से छीलेंगे। ये ऐसी चटनी है ना, कैसा भी बोरिंग खाना हो बट अगर आम की चटनी हो और वो भी स्वादिष्ट बनी हो तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा, गर्मी में हर घर में आम की चटनी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, अलग अलग तरीके से आम की बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती हैं, बट ये चटनी की बात ही अलग होती है। अब हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है और इसके एक स्मॉल स्मॉल पीसेस करके डाल देना है इसमें। तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं, कई लोग इस तरीके से ही बनाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट सबके डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने ये जो जैगरी वाला पेस्ट अलग से रखा था ना, तीनों मिला के उसको डालेंगे। मैंने नमक डाल के इसलिए उसको रख दिया था, जैसे वो थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो जाए, उससे अच्छा सा टेस्ट आता है चटनी का। और उसके बाद पुदीने की पत्ती, धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें हमको इसमें डालनी हैं। और डालने के बाद इस चटनी को बहुत ही हरा रखने के लिए, आपने देखा होगा ना मार्केट में जो चटनी मिलती है वो हमेशा हरी हरी रहती है, तो उसका सीक्रेट क्या है मैं वो आपको भी चटनी में बताने वाली हूँ। पहले सारी चीज़ों को आप डाल दीजिए, लहसुन, मिर्च, धनिया पत्ती, मिंट लीव, उसके बाद नमक आपको थोड़ा कम लग रहा है तो वो भी डाल दीजिए, बाद में बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने जो बताया ये है आइस क्यूब्स, आइस क्यूब से आपकी चटनी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चटनी परफेक्ट बन के रेडी होगी। तो 3 से 4 क्यूब्स मैंने डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से चटनी को पीस लिया है, चटनी एकदम हरी हरी बन के रेडी हुई है, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। सुपर डिलीशियस, खाने में जान डाल देने वाली ये मैंगो चटनी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें, कई लोग अलग अलग चीज़ें डालते हैं बट ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जब भी आप दाल चावल रोटी के साथ ये चटनी खाएंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, और जो जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने डाले हैं उस इन्ग्रीडियंट से बना के देखें, आपको पसंद तो गारंटी से आने वाली है। तो चलिए आप एक बार इसको जाकर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर ये भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपको कौन कौन सी चटनी की रेसिपी पसंद है मैं वो भी डालूंगी। तो एक बार जल्दी जाकर ट्राई करें हेल्दी और टेस्टी चटनी को। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।